पहलवानों के अल्टीमेटम और केंद्र की चुप्पी के बीच कांग्रेस पार्टी हमलावर है। पहलवान अपने मेडल किसान नेता टिकट को सौंप चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस आक्रामक है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ कांग्रेस पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गुमशुदा बताया। कांग्रेस ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक पोस्टर भी डाला, जिसमें स्मृति ईरानी की तस्वीर के साथ मिसिंग लिखा गया। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा था, बेटी बचाओ। इस ट्वीट में स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की भी तस्वीर थी। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीर के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर पहलवानों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए और साथ ही निशाना साधा। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं, उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप, हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले। और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है, 9 साल नारी शक्ति के 9 साल मुझे समझ में नहीं आता। ये डिल्यूशनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है, 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी को लापता बताते हुए सिलसिलेवार 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में कांग्रेस कह रही है, स्मृति ईरानी महिला पहलवानों के सवालों पर ट्वीट छिपाती हैं। उसके साथ ही एक अन्य तस्वीर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी हैं, जिनके बारे में ट्वीट करके लिखा गया है, वो महिला पहलवानों के सवालों पर भागती हैं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को गुमशुदा बताया तो केंद्रीय मंत्री ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के पोस्टर पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया और लिखा, मैं अमेठी से धूरनपुर की तरफ निकली, अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री ने इशारों में राहुल गांधी को निशाने पर लिया, जो 10 दिन के अमेरिका दौरे पर है। स्मृति ईरानी ने इससे पहले संगोल विवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा था, जबकि पहलवानों के मुद्दे पर मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया। आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह सरन पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 23 अप्रैल से पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन बीती 28 मई को दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को वहां से हटा दिया। ये वो दिन था जब देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ था। इसी दिन पहलवानों ने संसद भवन के सामने महिला पंचायत का ऐलान किया था। इसके बाद 30 मई को पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और पहलवानों से उनके मेडल ले लिए।